तो हम लोगों ने कोर्ट में बोला ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स है, उनको अगर रिप्लाई फाइल करना था हम लोगों ने बहुत पहले ही कॉपी सर्व किया था, उन्होंने अभी तक नहीं करा है। 3 दिन में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और 16 तारीख को फिर से सुनवाई है। सीबीआई ने यही कहा कि हमें समय चाहिए, हम लोग इस पर काउंटर फाइल करेंगे। हमारे द्वारा यही कहा गया कि अब इसमें काउंटर का कोई नीड नहीं, आर्गुमेंट कंप्लीट। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। खराब तबीयत की वजह से लालू प्रसाद यादव इन दिनों एम्स में इलाजरत हैं। पहले भी वो रांची के रिम्स में इलाजरत थे। आपको पता है कि चारा घोटाला मामले में लंबे समय से सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जो सुनवाई है वो चल रही है झारखंड हाईकोर्ट में, लेकिन इस मामले में कोई भी सटीक फैसला निकल कर नहीं आ रहा है। कभी जवाब दाखिल करने में वक्त लग जा रहा है, कभी सीबीआई की तरफ से वक्त मांगा जा रहा है, कभी सुनवाई टल जाती है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है, आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सीबीआई ने एक बार फिर से कोर्ट से वक्त मांग लिया है। पूरा मामला क्या है वो आपको हम बताते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई। आपको बता दें कि चारा घोटाला के 4 मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने बीते दिनों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई। लालू यादव की ओर से उनके अधिवक्ता देवशीष मंडल ने जमानत याचिका दाखिल की है। आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह सुनवाई हुई। आज सुनवाई में सीबीआई के द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय अदालत ने 16 अप्रैल यानी कि शुक्रवार का समय निर्धारित कर दिया है। इस विषय में विस्तार से लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल तथा अधिवक्ता आनंद बिज बता रहे हैं, वो आप सुनिए। क्या हुआ आज? हम लोगों ने आईए फाइल किया था और आईए में ये दर्शाया था, लास्ट ऑर्डर जो आप लोगों ने देखा भी होगा 19 तारीख का, वी वर शॉर्ट बाई 1 महीना 17 दिन। तो आज मैटर टेकअप हुआ तो सीबीआई ने टाइम ले लिया काउंटर फाइल करने के लिए, तो कोर्ट ने इसको अलाउ करते हुए 16 तारीख के लिए मैटर रख दिया, यानी अगली तारीख 16। क्या आपको लगता है देवासी जी की जो सीबीआई का जो मोडस ऑपरेंडी है, क्या नहीं लगता कि इंटेंशन उनका मलफाइड बराबर कुछ न किसी? वो तो हम लोगों ने कोर्ट में बोला ही, वो तो हम लोगों ने कोर्ट में बोला ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स है, उनको अगर रिप्लाई फाइल करना था हम लोगों ने बहुत पहले ही कॉपी सर्व किया था, उन्होंने अभी तक नहीं करा है। ठीक है, कोर्ट ने भी उस चीज़ को थोड़ा पॉइंट आउट करते हुए उनको 16 तारीख के लिए टाइम देकर टाइम दिया 16 तारीख को। और कुछ एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। एक सप्ताह का तो न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें 3 दिन का समय दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए। 3 दिन में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और 16 तारीख को फिर से सुनवाई होगी इसके। आज आप लोगों की तरफ से क्या रखा? हम लोगों की तरफ से कंप्लीट रखा गया कि पिछला जो 19 फरवरी का माननीय न्यायालय साहब का, जज साहब का जो आदेश था कि 1 महीना 17 दिन हम शॉर्ट कर रहे हैं, वो पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तब हमको इसको में आदेश कर दिया जाए हमारे पक्ष में। लेकिन सीबीआई के रिक्वेस्ट पे इसको रखा गया है कि उनको जवाब देना है तो आफ्टर 1 वीक यानी 16th को ये केस फिर से लिस्ट होगा। सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने यही कहा कि हमें समय चाहिए, हम लोग इस पर काउंटर फाइल करेंगे। हमारे द्वारा यही कहा गया कि अब इसमें काउंटर का कोई नीड नहीं, आर्गुमेंट कंप्लीट है। पिछला बार आपने कंप्लीट आर्गुमेंट किया इस, और हमारे द्वारा भी कंप्लीट किया गया, कोर्ट का ही डायरेक्शन था कि 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट करके अपना फाइल किया। ये दोबारा आप देखते हैं, 16th को हम लोग अगली सुनवाई होगी। तो आपने दोनों ही अधिवक्ताओं को सुना, देवर्षि मंडल ने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से कोर्ट रूम के अंदर में बातें हुई, सीबीआई की तरफ से फिर से वक्त मांग लिया गया है। लालू प्रसाद यादव के पक्ष से ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें बार बार जानबूझकर हो रही है, जानबूझकर ज़्यादा वक्त मांगा जा रहा है, जबकि लालू प्रसाद यादव के पक्ष से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 16 तारीख को जब फिर से सुनवाई होती है, सीबीआई ने जो वक्त मांगा है उस वक्त में वो क्या कुछ कर पाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।